रेडमी तैयार है अपने मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन यानी रेडमी नोट 7 को इंडिया में लॉन्च करने को। ये स्मार्टफोन 28 जनवरी को ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए जो लॉन्चिंग डेट है और लॉन्चिंग को काफ़ी ज़्यादा तरीके से, काफ़ी अग्रेसिव तरीके से कंपनी प्रमोट कर रही है। ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट में भी टीज किया गया है जो कि यहाँ ऑफिशियली बिक सकता है। वहीं बात करें रेडमी नोट 7 की, तो चाइना में इसके 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए थे, जिसमें थे 3GB 32GB, 4GB 64GB और 6GB 64GB। ये तीनों की प्राइसिंग चाइना के हिसाब से शुरू होती है 10,300 रुपये से, जो जाती है 14,500 रुपये तक, जिसमें 3GB और 32GB का प्राइस 10,300 रुपये, 4GB और 64GB का प्राइस 12,400 रुपये और 6GB और 64GB का प्राइस 14,500 रुपये। ये तीनों ही प्राइसिंग इसके चाइना के करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट किए गए हैं इंडियन रुपीज़ में। ये स्मार्टफोन इंडिया में कुछ और प्राइस के साथ लॉन्च किए जा सकते हैं, जिसमें 3GB रैम और 32GB वाला स्टोरेज आ सकता है 9,999 में। वहीं 4GB और 64GB वाला का प्राइस हो सकता है 10,000 से 11,000 के आसपास, और जो 6GB और 64GB वाला वर्जन है उसकी प्राइसिंग करीब 13,000 से 14,000 रुपये के अंदर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये स्मार्टफोन अपने आने वाले 28 फरवरी को लॉन्च होगा, जिसके पहले सैमसंग का M30 भी लॉन्च होगा, जो इसी के प्राइस अराउंड रिलीज किया जा रहा है, और जो इस फ़ोन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर और मेन कॉम्पिटिटर वही है। उसके बाद जो काफ़ी सारे टीज किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, जिसमें लगता है कि ये स्मार्टफोन काफ़ी कमाल के कॉम्पिटिटिव प्राइस और स्पेसिफिकेशन के साथ में आएगा। वहीं बात करें अगर रेडमी नोट 7 के स्पेसिफिकेशन की, तो ये आता है 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में एक डिस्प्ले, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 19.5:9 का। इसमें आपको ड्यू ड्रॉप नोच देखने को मिलेगी। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। वहीं बात करें इसकी प्रोसेसर की, तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन रन करता है एंड्रॉयड 9.0 पाई पे, जिसके ऊपर कंपनी का अपना MIUI 10 देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए थे और यही वेरिएंट इंडिया में भी लॉन्च किए जा सकते हैं, जिसमें 3GB, 4GB और 6GB की रैम के साथ में 32 से 64GB तक के स्टोरेज ऑप्शन मिलेंगे। वहीं इस स्मार्टफोन में आप मेमोरी कार्ड की मदद से 256GB तक अपने मेमोरी को एक्सपेंड कर सकेंगे। वहीं इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा हाइलाइटेड जो फीचर है वह है इसका 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा, जिसके साथ में आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो 48 सेंसर वाला कैमरा है वो सैमसंग का आइसोसेल GM1 सेंसर है, जो असल में 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, आपको 48 मेगापिक्सल की क्लैरिटी वाली फ़ोटो खींच के देता है। असल में ये 48 मेगापिक्सल कैमरा नहीं है, पर फिर भी आपको बेहतरीन क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा क्वालिटी और बेहतरीन डिटेल वाली फ़ोटो मिलेगी इसमें। इसके साथ जो आपको 5 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है वो है एक डेप्थ सेंसर। वहीं बात करें इसके फ्रंट की, तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है, जिसको आप फेस अनलॉक के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ोन में। वैसे स्मार्टफोन में आपको 4000 mAh की बैटरी और क्वालकॉम का क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन 4G डुअल वोल्टी ये सारे फीचर्स के साथ में आता है इसमें, और बाकी सारे सेंसर भी दिए गए हैं। वहीं ये स्मार्टफोन आता है USB टाइप सी के साथ में। और बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो जैसा हम जानते हैं कि ये स्मार्टफोन 28 फरवरी को लॉन्च होगा, जिसके बाद ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। ये सारे जो स्पेसिफिकेशन और इसकी प्राइसिंग थी वो चाइना के हिसाब से थी, पर फिर भी जो जितनी स्पेसिफिकेशन है वो इसी प्रकार के होने की उम्मीद है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन का एक और वेरिएंट लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो बातें हैं वो काफ़ी हद तक फेक लगती है, पर फिर भी 28 फरवरी को हमें ऑफिशियली पता चलेगा कि इस स्मार्टफोन में आपको क्या क्या किस तरीके से दिया गया है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए टेक रिपोर्ट की आने वाली वीडियो, जिसमें आपको Redmi Note 7 Pro सैमसंग के A50s के बारे में बताया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, आगे के आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है हमारे चैनल या इस वीडियो को लेकर, तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।